और पता है सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अच्छा बेटा तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? जी जी। अच्छा भरवा बैंगन कैसे बनाते हैं? वो बैंगन को पहले काटते हैं, फिर उसे काटते नहीं, चीरते हैं और फिर आधा पूरा नहीं। छोड़ो, ये बताओ सिलाई तो कर लेती हो ना? सिलाई मशीन तो चलानी आती है कि नहीं? मशीन जी वो हाथ से बहुत कुछ। सॉरी, मुझे घर के सारे काम अच्छे से आते हैं, बस वो भूल से कभी कभी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसे तुम थोड़ी सी गड़बड़ कहती हो? ना तुम्हारे हाथ पैरों पे कोई काबू है, ना जबान पर। एक भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया, एक भी गुण नहीं है इस लड़की में। ना बाबा, हम यहाँ बहू लेने आए थे, कोई जोकर नहीं। चलिए। अरे अरे बहन जी, बहन जी आपको गलतफहमी हुई है, विधि का दिल देखिए, ऐसी दिल वाली बहू आपको अचार बना के सुखा दीजिए अपनी बेटी के दिल का। इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए आप सबको हमारा वक्त बर्बाद करने के लिए। ऊपर की चकाचौंध दिखाकर आप लोग हमें अंधा करने चले थे ताकि हम इसकी कमियां ना देख पाए। ऐसी बिना गुण वाली लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा? बड़े ही बेईमान किस्म के लोग हैं आप। एक्सक्यूज मी, वो जो बोल टूटा था ना, वो उसके पैसे। यार अगर माफ कीजिएगा, बीच में बोलूंगा, बोल देता हूं। आप जिस परिवार की तरफ ईमानदारी की उंगली उठा रहे हैं, उस परिवार के पास मेरी ये 40 लाख की अंगूठी थी। वो चाहे तो दबा सकते थे, क्योंकि मैं तो जानता नहीं इन लोगों को, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक सेकेंड के लिए भी इनका ईमान डगमगाया नहीं हुआ। और पूरी ईमानदारी के साथ वो लड़की मेरे ऑफिस आई है और ये रिंग मुझे उसने वापस किया। तो जो भी कह रही थी ना, उसका मतलब आप रहने दीजिए जी, धोखा नहीं तो और क्या हुआ है हमारे साथ? कम से कम यहाँ पे हमें बुलाने से पहले इतना तो देख लिया होता कि आपकी बेटी किसी की बहू बनने के लायक है भी या नहीं। अरे है ही क्या इसमें, किस लायक है ये? और आप जाइए अपना काम कीजिए, हमारे मामले में आप होते कौन है दखल देने वाले? और हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे? चलिए हमें भी चलना चाहिए। बात सुनिए, एक बार बात तो कीजिए उससे। आप बात करने के लिए कुछ नहीं रहा, अगली बार अपनी बराबरी का रिश्ता ढूंढना। तुमने सोच भी कैसे लिया कि इस जैसी लड़की का हाथ कोई काबिल लड़का था मेरा? सूरत तो देखो इसकी, कैसी भोली बनकर खड़ी है,
इसके लिए तो कोई भिखमंगा या बेरोजगार या कोई नकारा निकम्मा टाइप का। एक मिनट। वो जो भी बातें कही ना आपने, उनके उनके जवाब दिए बिना मैं वापस नहीं जा पाया, इसलिए मैं वापस आ गया यहाँ पे। आप कमियों की बातें कर रहे थे, तो मैं आपको एक यूनिवर्सल फैक्ट बताता हूँ कि हर इंसान में कमी होती है। 100% तो परफेक्ट कोई होता ही नहीं ना, आपका बेटा भी नहीं है। 5 कमियां तो मैं निकाल दूं खड़े खड़े उसकी। लड़का लड़की तो बड़ी दूर की बात है, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी के भी साथ इस तरीके से बात करें। कितनी बेइज्जती की आपने उसकी, इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, वो भी उसके अपने घर में। I'm sorry, that's not good. और क्या बोल रहे थे आप? बेरोजगारी, बराबरी, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना, और कह रही थी कि ये किसी काम की नहीं है। तो ठीक है, मैं देव रायचंद, रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक, आज इसको एक जॉब ऑफर करता हूं। क्यों? क्योंकि ईमानदार है। और इसकी सैलरी, आपकी बेटी की सैलरी कितनी? जितनी भी होगी उससे तो ज्यादा ही सैलरी रखूंगा उसकी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अब मेरे इस ऑफर के बाद ये लड़की तो आपके बेटे के लिए ओवर क्वालिफाइड होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी अपनी बेटी आपको नहीं देना चाहेंगे, मुझे लगता है ऐसा। चलो एक मिनट, वो बैंगन की भरते की बात कर रहे थे ना? भरवा बैंगन, करेक्ट। तो भरवा बैंगन बनाना आता है या नहीं आता, ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए जीवन साथी चुनने का। बस इतना था। चलो ऐसा नहीं है कि हमें अपनी बेटी के गुणों का ध्यान नहीं, पर इसकी इतनी तारीफ सुनने की भी आदत नहीं। आपका बहुत बहुत आभार। लड़के वालों के हाथों हो रहे अपमान को अपनी नियति समझ लेते हैं, शायद इसीलिए हम वो जवाब नहीं दे पाते जो आपने दिया। ठीक कह रही है ये, बिल्कुल भाई साहब। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो किसी पराए के लिए खड़े हों, और वो भी तब जब वो अनजान आर्थिक तौर पे उससे कमजोर हो। आप और मैं उम्र में एक से होंगे लगभग, फिर भी मेरा दिल कर रहा है कि आपके पांव छूकर पे आपका। अरे मैंने कैसे किसी बात कर रहा हूं, भाग्य है हमारा ये, और पलापनी देवी का आशीर्वाद है कि आप जैसे अनुभव हमारे यहाँ पे पधारे। माता रानी का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे, दिल से दुआ है ये मेरी। आप कभी आइए अपनी पत्नी को लेकर आशीर्वाद लेने, माता का बहुत मान्यता है मिलापनी देवी की। जो भी दर्शन करने आता है ना यहाँ जोड़ियां बन जाती। और जो जोड़ियां पहले से बनी हो ना, उन जोड़ियों का प्यार बढ़ता है। पर भाई साहब एक बात की मैं माफी मांगना चाहूंगा। देखिए आपका बहुत बड़ा उपकार है कि आपने ये नौकरी का प्रस्ताव दिया विधि को, लेकिन बहुत ही सम्मान पूर्वक
मैं आपके इस प्रस्ताव को ठुकराना चाहूंगा। बहुत ही सम्मान पूर्वक मैं आपके इस प्रस्ताव को ठुकराना चाहूंगा। विधि आपके यहां काम नहीं कर पाएगी। आप रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज के जॉब ऑफर को ठुकरा रहे हैं? नहीं, मैं आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपके प्रस्ताव को यूं ठुकराना नहीं चाहता हूं। प्लीज ऐसा मत समझिएगा। वो क्या है, हमारे हमारे परिवार के कुछ उसूल हैं, उसकी वजह से मना कर रहा हूं। हमारे घर की लड़कियां बाहर जाके काम नहीं करती हैं भाई साहब। बुरा मत मानिएगा, पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का कोई दोबारा मजाक ना उड़ाए, उसकी बेइज्जती ना करे, उसके लिए उसे दुनिया में बाहर आकर अपना नाम बनाना पड़ेगा, अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरा ऑफर ओपन है, आप अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचिए। वो घड़ी देख रहे हैं? घड़ी हमको हमेशा याद दिलाती कि समय कभी रुकता नहीं, वक्त बदल जाता है। हमें भी अपनी सोच को बदलना चाहिए। वो मैं पैसे वो मेरी वजह से जो तुम्हारा बोल्ट टूटा था उसके लिए। मेरी तुम्हारे अंदर एक बहुत यूनिक क्वालिटी है, ईमानदारी। आजकल बहुत कम मिलती है। उसे हमेशा अपने अंदर बरकरार रखना और लाइफ में किसी को भी यह हक मत देना कि तुम्हारा मजाक उड़ाए। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की अपने ऑफिस में बहुत जरूरत है, वो तुम्हें काम की, पैसे के लिए नहीं। पैसा तो कभी लाइफ में डायरेक्शन तय नहीं करता, पर अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए काम जरूर करना। कोशिश करना अपने पेरेंट्स से बात करके उन्हें कन्विंस करना, और हो सके तो कल से जॉब शुरू कर लेना। अच्छा हो गया, चलता हूं। उधार चुकता। नमस्ते। चलो जी। इतनी रात को क्या कर रही हो ये? घर में बहुत कड़वाहट फैल गई आज, सब दूर हो जाएगी। ओहो मामी, अच्छी बातों की तरफ ध्यान दो ना, जैसे मेरा ध्यान इन समोसों और कचौरियों पे जा रहा है। कल स्कूल में मेरा टिफिन सबसे मजेदार होने वाला है। चुप कर बेशरम, घर में इतना नाटक हो गया और तू हंस रही है। तो आप भी खुश हो जाओ ना कि उस लंगूर से दी का रिश्ता नहीं हुआ। मैं तो खुश हूँ। माम, ये मैंने आज का सारा खर्चा लिख दिया। वो आज बहुत खर्चा हो गया माँ, उसकी वजह से ना वो हमारा महीने का हिसाब थोड़ा हिल गया। इस खर्चे की तो भरपाई हो जाएगी, ये तो आना जाना है,
लेकिन वो जो तेरी आंखों से बहे हैं उसकी भरपाई ना हो सकती। तेरी आंखों से कुछ भी आना जाना बर्दाश्त नहीं है विधु। ना तुम्हारे हाथ पैरों पे कोई काबू है, ना जबान पर, एक भी गुण नहीं है इस लड़की में। अगली बार अपनी बराबरी का रिश्ता ढूंढना। मां मुझे कुछ ना बहुत बुरा लगा। आज जो भी हुआ मेरी वजह से, अब सबका सिर झुक गया। मैं किसी काम की नहीं मां। मां आपको पता मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि कोई गड़बड़ ना हो, कोई ना कोई गड़बड़ तो हो ही जाती है। इस महीने का खर्चा तो हाथ से निकलता जा रहा है। 23,500 रुपए खर्च हो चुका है अब तक, और अभी तो आधा महीना बाकी पड़ा है। पापा, वो 23,500 नहीं है, 24,450 होगा। ये देखिए, ये आज का खर्चा, ये आपने नहीं नहीं लिखा। अरे वाह, तुझे पता है लोग मुझे हिसाब का पंडित कहते हैं, और तू तो मुझसे भी चार कदम आ गया। तो तुम लोग चिंता नहीं करना, बाकी संभालने के लिए माता है, वो सब ठीक कर देगी। बिल्कुल चिंता नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सुना तूने? और तेरे छोटे से दिमाग में क्या बकवास चल रही है कि तू कोई काम ठीक से ना कर सकती, किसी लायक ना है। बेटा, जब तक हीरे की कीमत ना जानी थी ना लोगों ने, उसे पत्थर ही समझते थे लोग। जिस दिन तुझे समझेंगे ना लोग, उस दिन तेरी कीमत, अरे जिस दिन छोड़ आज का ही ले ले। इतने बड़े आदमी ने तुझे समझा, वो खुद यहां आए खड़े हुए तेरे लिए, तुझे नौकरी के लिए कहा। उस छोरी ने मेरे हीरे को पहचाना है, तो बेटा सबसे पहले खुद की नजरों में अपनी कीमत बढ़ानी होगी। और तभी लोग समझेंगे। और रही इस रिश्ते की बात, तो मैं मिलापनी देवी को तब तक चैन से ना बैठने दूंगी जब तक वो तेरे लिए सही रिश्ता, सही लड़का ना भेज देती। बिल्कुल देवजी जैसे वो तुझे समझ पाए। हैरान हो ना कि ये चिट्ठी यहाँ कैसे? इस चिट्ठी के साथ वो हेयर क्लिप देख रहे हो? 15 साल पहले जब हम अलग हुए थे, तब मैंने कसम खाई थी कि अब मेरे केश तभी बांधूंगी जब हमारा मिलन होगा। ये अम्बा जब तक तुम्हारे साथ शादी के बंधन में नहीं बंधेगी, अपने बाल नहीं बांधेगी। Now